हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मैं हूं स्टार और आप देख रहे हैं स्टार्स गेमिंग। तो चलिए आज खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 2019 और आज लगाएंगे भाई नई फसलें जो आज तक हमने नहीं लगाई, जैसे कि प्याज, रेड कैबेज, कैरेट, गाजर यानी के। तो उसके अलावा भी मैं आपको और कुछ दिखाऊंगा, थोड़े से मोड भी हैं। भाइयों ने, दो चार भाइयों ने रिक्वेस्ट करी थी गाड़ियों की, तो चलिए जो जो गाड़ी मिली है उसके मोड भी दिखाता हूँ आपको। और आज लगाते हैं, बड़ी सी खेती करेंगे। मैंने सारे खेत वेत सब टिच कर दिए हैं, हवा पानी उनका फिट कर दिया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं यार इसको जल्दी से। वेलकम बैक दोस्तों। तो भाई पिछले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हमने बेल बनाई थी और अब मैंने ये प्लो खरीदे हैं दो नए, और उसके अलावा मैंने ट्रैक्टर लिए हैं, ये है चैलेंजर का, और ये यहाँ पर लगा दिए हैं वाशर प्रेशर भाई अपनी गाड़ी वाड़ी धोने के लिए। और कल दिखाया था आपको रूबीकॉन का। और इसके अलावा मैंने जानवरों की सफाई सबकी कर दी है, देखिए 100% हो गई है सबकी सबकी। इसकी इसकी भी थोड़ी सी रह गई थी, चलो मैंने कर दी थी, लेकिन अब मैंने एक दिन आगे कर दिया है। तो अब आज देख आप सुबह देखो 10:21 हो रहे हैं। और ये गेट कैसे खुला भाई इसको? अच्छा, इनकी मैन्यूर भी आ गई है, तो अभी हमें दूध भी यहाँ से मिलेगा, दूध भी लेते हैं आज। और सुअर की मैन्यूर भी वहाँ पर आ गई है। और मैंने ये यहाँ पर भी लगा दिए दो शेड, क्योंकि यहाँ पे लगाया वाशर प्रेशर। और एक लिया था फेंडेड का ट्रैक्टर भाई, केस के ट्रैक्टर की एक रिक्वेस्ट आई थी भाई। ये जो हमारे पास सारे ट्रैक्टर हैं ये केस के ही हैं, ये देखो ये भी केस का है, ये भी केस का है। और ये कल मैंने लिए थे दो वाटर लोडर, इनको यहीं पे खड़ा रखेंगे, क्योंकि अगर वो शीप हमारी वूल देंगी, वहाँ पे देखो वूल भी आ गई है, तो हम वाटर लोडर से फटाफट उठा लेंगे, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको बताया था इस हे लोफ्ट के बारे में भी, कि इसमें आप कुछ भी डालो, स्ट्रॉ डालो, यहाँ पे हे डालो और ग्रास डालो, तो आपको वहाँ से साइलेज वगैरह और पिग फूड सब मिलेगा। तो चलो ये तो हुआ इसका, अब देखते हैं अपने खेतों का। तो इसकी मैंने फर्टिलाइजिंग कर दी थी दूसरी बार, ठीक है, दोनों बार वीड भी मार दी इसके, इसके वीड भी मार दी, इसकी फर्टिलाइजिंग भी कर दी अगर आप देखो तो। लेकिन इसमें प्लोइंग की ज़रूरत थी, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने खेत खरीदा था, नहीं खरीदा नहीं था, मेरे पास था, मैंने देखा नहीं था। इसकी मैंने प्लोइंग व्लोइंग करके और इसमें लाइम वाइम डाल दी। इसके अंदर 4, 6 और 10, ये तीनों खेत हमारे तैयार हैं एकदम खेती के लिए। और इसमें एक नई चीज़ आपको दिखानी थी यार, ये तो पहले हम पहले वाले जो मैप थे उसमें हम देखते थे कि ये फसलें लगती थी हमारे पास। अब ये अल्फा 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 और ये शॉर्ट हम, ये पता नहीं भाई देखने पड़ेंगे हिंदी में इनके नाम क्या हैं। तो चलो पहले आती थी ये फसलें, अब फ्रूट टाइप 1, अब ये फ्रूट टाइप 2, क्लोवर, चेरी और ये सन सोडन सडन ग्रास, ओके, तंबाकू, तंबाकू भी लगा सकते हो भाई, हमें नहीं लगाना। और ये है ब्लैक बीन, पीनट, राइस, कॉफ़ी, मस्टर्ड, तो आप ये सरसों भी लगा सकते हो, अब सरसों का साग खाएंगे फिर हम मक्की की रोटी के साथ। और भाई कैरेट और गाजर, ओनियन, प्याज, रेड कैबेज, लाल वाली बंद गोभी और बंद गोभी और हैम्प, अब ये हैम्प क्या होता है इसको भी देखना पड़ेगा। चलो तो ये है, ये यहाँ पे कॉटन लगी हुई है, तो ये कॉटन हमारी ग्रो कर रही है। अब इन खेतों के अंदर हमें करनी है आज खेती। तो चलिए इसके लिए फिर हमें, तो मेरे पास अभी तो है एक ये, लेकिन ये मैं आपको इस यहाँ से पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको स्टोर पे जाके दिखाता हूँ, शॉप पे। तो ये सीडर है हमारे पास अमेजोन काउंटर, 15,001। तो ये लगाता है चेरी, क्लोवर, ये तो हमें चाहिए प्लांटर, तो वही प्लांटर में जाएंगे पहले, यहाँ पे स्टोर सेट कर देंगे अपना, अंदर चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रोड पे आ जाएगा नहीं तो सामान। तो यहाँ पे अपना स्टोर सेट कर देंगे शॉप, और प्लांटर में जाएंगे, ये है प्लांटर। तो अगर इस प्लांटर को देखोगे तो ये सब कुछ लगाता था पहले बड़ी चीज़ें, अब इसके बाद ये ऐड हो गई हैं, यानी कि ये ऑनियन, गाजर और कैबेज वगैरह सब लगाएगा। तो आज मुझे ऑनियन, गाजर और कैबेज ही लगानी है, रेड वाली बंद गोभी भी लगाएंगे अगली बार। अब ये भी लगाता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये फर्टिलाइजिंग नहीं करेगा, और ये फर्टिलाइजिंग भी करेगा तो आपका टाइम बचेगा, लेकिन ये है 12 मीटर का और ये है 18 मीटर का, तो इससे टाइम बचता है। दोनों में एक ही बात, एक ही, इसको लो तो जल्दी खेती होगी, इसको लोगे तो फर्टिलाइजिंग होगी लेकिन धीरे करेगा। तो चलिए इसी को लेते हैं,
क्योंकि ये फर्टिलाइजर भी कर देगा भाई, तो हमें दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको बाई कर लेंगे एक, ठीक है, और एक लेते हैं बड़ा वाला, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी, इसको लेंगे किराए पे, ठीक है। दो हो गए, हमें चाहिए तीन, तो हमें चाहिए तीन, तो एक और ले लेंगे ये वाला, इसको कर लेंगे बाई, ठीक है भैया। आ गए हमारे तीन, वो देखो, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा था, ये गड़बड़ हो गई है, इसको वापस करना पड़ेगा। स्टोर पे जाके खुले में लगाना पड़ता है इनको भाई, क्योंकि ये गड़बड़ कर जाते हैं ऐसे ही। अरे यार दूसरा चला गया, तो ये ऐसे फंस जाते हैं। अब ये भी पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको भी यार एक बार बंद वापस ही कर दूं। तो भाई ऐसे गड़बड़ हो जाती है, मैं तो कोशिश करता हूँ यार वीडियो छोटे छोटे बने, लेकिन अरे यार गैरेज में जाना था, गैरेज में जाकर इसको कर देंगे वापस एक बार। कहाँ गया रे, अरे यार अब कहाँ चला गया, ये ऐसी गड़बड़ हो जाती है भाई, क्या करें। अब बताओ नजर ही नहीं आ रहा, इसके साथ ही होना चाहिए, कहाँ पर चला गया। अरे नजर ही नहीं आ रहा भाई, ये तो गैरेज में जाके, ये ट्रैक्टर हैं। अच्छा मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, ये कल हमने खरीदी थी, ये भी कल खरीदा था, ये भाई केस के ट्रैक्टर की रिक्वेस्ट आई थी, तो ये सारे केस के ट्रैक्टर हैं भाई हमारे पास, ये वाले कल मैंने लिया था भाई, ये क्लास का ट्रैक्टर है ये, बहुत बढ़िया क्रॉलर ट्रैक वाला, और ये लिया था चैलेंजर का, आपने पहले देखा हुआ है। और सॉरी भाई, अभी नहा के आया हूँ गर्म पानी से। और ये है फेंडेड का, तो मैंने कल तीन ट्रैक्टर लिए थे अपने काम के लिए। और हाँ कल मैंने ये भी लिए थे, दो रुपये को 9000, एक हर्बिसाइड के लिए और एक फर्टिलाइजिंग के लिए। अरे यार ये लीज आइटम मेरा, क्या यार। तो भाई और खुली जगह में चलते हैं, क्योंकि ये फंस जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाते हैं ये खुली जगह। तो चलो प्लांटर में चलेंगे, एक लेंगे बाई, यस ओके बाई, यस यस ओके, और एक लूँगा बड़ा वाला बड़े खेत के लिए, इसको ले लेंगे किराए पे, ठीक है। आप तीनों खुले खुले आ गए ना, ठीक है भाई। तो इसके लिए मैं अच्छे वाले ट्रैक्टर लूँगा, हैवी, ये हैवी ट्रैक्टर है। और कल मैंने एक ट्रॉली ली थी, ये बड़ी वाली, इसका आपको बाद में दिखाऊंगा इस्तेमाल कैसे करना है। ये भाई ट्रॉली है, सारा सामान उठाती है, कुछ भी उठा लो। तो ये है क्लास का ट्रैक्टर, ये मैंने कल ख़रीदा था, क्योंकि ये क्रॉलर ट्रैक्टर इनके निशान नहीं आते। ये है क्लास लेक्जियन, तो इसको लगाते हैं इसमें। ठीक है ये हुआ एक, अब इसमें हमें लगानी है, इसके लिए पहले बीज सेट कर लेंगे क्या लगाना है आपको। तो हम लगाते हैं इसमें ऑनियन, ठीक है। प्याज बहुत महंगा हो रहा है भाई, 110 रुपये 100 रुपये किलो हो रहा है, तो इसके ढक्कन खोल लेंगे एन से, और इसको ले जाएंगे। ये सीड का मैंने लगाया था मोड कल, तो ये हमारा लगा नहीं हुआ था, आर दबा देंगे तो हमारे सीड आ गए। भाई प्याज की खेती हमने कभी नहीं करी, देखते हैं कि प्याज इतना महंगा क्यों बिक रहा है, हम बेचेंगे 5 रुपये किलो। अच्छा यहाँ पे हमारी चेरी भी उग गई है भाई, थोड़ी सी एक दिन आगे कराया मैंने अभी, लो भाई चेरी को भी देखते हैं अभी आकर। इसको मुझे लगाना है बड़े वाले खेत में 10 नंबर पे, फिर आके इनमें लगाता हूँ, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ये मोड मैंने लगाया था पहले, लेकिन भाई आपको दिखा नहीं पाया, तो आपको अभी दिखा देता हूँ इसको यहीं से। इसकी स्पीड 43 की है,
अरे भाई सीधा चल। ये क्लास का है 108, क्या नंबर है भाई इसका, 100। बाकी मैंने आपको इसका मॉडल नंबर दिखाया अभी वीडियो के अंदर, आप उस मॉडल से सर्च कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। तो कल भाई GT5 खेलने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं इन खेतों में बहुत बिजी था, मुझे ये दिखाने थे आपको, तो टाइम नहीं मिल पाया। इसको ले चलेंगे इधर से कोने पे ले जाना पड़ेगा भाई एकदम लास्ट में। ये आ गया है रेस्टोरेंट प्लाजा, यहाँ पर भी माल बिकता है हमारा सामान। हाँ इसमें पेड़ भी लगाने यार अभी हमें, ये देखो ये हमारा सामान खड़ा है ना यहाँ पे, पेड़ भी पड़े हुए हैं, ये बाद में लगाएंगे, पहले खेती तो कर लें। और भाई एक रिक्वेस्ट आई थी दोस्त की रॉयल्स रॉयस गाड़ी की, तो भाई रॉयल्स रॉयस तो मुझे मिली नहीं, मैंने मोड ढूंढा था वो है यूरो ट्रक के लिए, लेकिन FS19 के लिए नहीं है। तो यार अगर आपके पास कोई लिंक है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देना, कमेंट्स के अंदर भाई रुक जा गाड़ी वाले कहाँ जा रहा है, तो कमेंट में लिख देना, मैं वहाँ से डाउनलोड करके आपको दिखा दूँगा। लेकिन मैंने ढूँढा था, सर्च करा, बहुत नहीं मिला। तो इसमें हो गया ऑनियन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा लगाएंगे बड़े से खेत में। तो लो भाई हमारा खेत आ गया, इसमें घुमा लेंगे इसको इधर को, तो इसको कर देंगे अनफोल्ड। दोस्तों अगर आपको घास चाहिए या जैसे कि आपने हे बनानी है, तो आपके खेतों के पास जो भी जितने भी हमारे खेत हैं ना उनके आसपास ये घास लगी हुई है, तो आप इस यहाँ से काट के उसकी हे बना सकते हो, या ग्रास जो भी आपको चाहिए। तो इसको पीछे ले जाएंगे एक बार और कोने से लाएंगे, कोने से यहाँ से, ठीक है ना, कोने पे आया नहीं भाई अभी, थोड़ा सा और आएगा, बस थोड़ा सीधा करेंगे, ठीक है भाई अब ठीक है। तो बी से कर देंगे ऑन, वी से कर देंगे डाउन, F1 करके आप देख सकते हो ऑन है कि नहीं, ठीक है। और इसको 3 दबा देंगे यहाँ पे, तो लो भाई हमारी ये प्याज की खेती। अरे थोड़ा कोने पे करेंगे, कोने पे, ठीक है, ये हमारा प्याज लगने लगा, तो यहाँ पे लगा देंगे हेल्पर और हम उतर जाएंगे यहाँ से, एक मिनट भाई, तो देख लेंगे एक बार। तो प्याज की खेती ऐसे हो रही है भाई, ग्रीन ग्रीन, ठीक है, फर्टिलाइजिंग 0% है लेकिन ग्रोइंग हो रहा है ऑनियन, ठीक है। तो चलो वापस चलते हैं अपने खेत में, किसी भी गाड़ी में चले जाएंगे। अच्छा एक ये है छोटी फर्टिलाइजिंग की मशीन, इससे आप फर्टिलाइजिंग कर सकते हो, तो ये मैंने अभी बेची नहीं क्योंकि ये काम आती है। तो ये है एक चैलेंजर का ट्रैक्टर, इसको लगाते हैं इस सामने वाले खेत में, चल भाई। तो मैंने शेड के पास ही लगा दिया प्रेशर वाशर, क्योंकि हमारी गाड़ी जब आएगी कोई भी काम करके तो गंदी होती हैं, तो इनको धोने में फिर हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हमें चाहिए, हमने प्याज तो लगा दी, अब इसको सेट कर लेंगे पहले ही, अब लगाएंगे हम गाजर आ गई, कैरेट आ गई, लो जी। तो अब चलते हैं इसके ढक्कन देखते हैं कैसे खुलते हैं, एंड इसके ढक्कन वक्कन कुछ नहीं खुलते, इसको ऐसे ले जाएंगे और आर दबा देंगे, हमारे सीड आ गए। अब इसमें डालनी है हमें फर्टिलाइज़र चाहिए, तो ये मोड है फर्टिलाइज़र का, ये वाला, इसके नीचे ले जाकर आर दबा देंगे, नहीं आया, एक मिनट, ठीक है, वो बीच में है, उसके सेंटर में है बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बिल्कुल सेंटर में है। तो कैपेसिटी इसकी बहुत कम है, लेकिन आप ये ऑप्शन जो है इस ऑप्शन को बाय बाय कर देना, तो आपको दोबारा ख़रीदने नहीं पड़ेंगे, हेल्पर लगा देंगे तो हेल्पर अपने आप ही काम पूरा कर देगा, ठीक है। तो इसको ले चलते हैं इस खेत में, तो मैंने यहाँ वर्कशॉप भी ये लगा दी है, एक वर्कशॉप यहाँ पे हम अपनी गाड़ी वाड़ी रिपेयर कर सकते हैं कोने के अंदर, और यहाँ पे भी एक लगा दी है वाशर प्रेशर, ताकि इधर से गाड़ी आए या उधर से गाड़ी आए तो हम दोनों तरफ से धो सकें। भाई गाड़ी धोनी भी ज़रूरी होती है, बहुत गंदी हो जाती हैं,
तो ये है 12 मीटर का, आप दो लगा सकते हो इधर इस एक इस कोने से एक उस कोने से। तो इसको ले जाएंगे थोड़ा सा पीछे से, ऐसे सीधा कर लेंगे एक बार, ठीक है। और पहले अनफोल्ड कर लेंगे इसको, देखते हैं कितना बड़ा होता है। ये खेत भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये चौड़ा बहुत है। तो आज लगने वाली है भाई गाजर पहली बार, और प्याज भी पहली बार लग रहे हैं आज हमारे। ये इसका ढक्कन बंद कर लेंगे, ये देखो ढक्कन इसका खुल जाता है ऐसे, ये उसका है, यानी कि इसके आगे है आपकी फर्टिलाइज़र और पीछे जो छोटे छोटे डब्बे बने हैं ये जो येलो बॉक्स छोटे छोटे, ये इसके अंदर है आपके सीड। तो इसको ले जाएंगे कोने पे बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे दबा देंगे बी और वी और तीन दबा देंगे क्रूज मोड। तो लो भी हमारी ये अब ये फर्टिलाइजिंग भी कर रहा है। एक मिनट यार, कोने से भाई, कोने से रह गई थोड़ी सी, बिल्कुल कॉर्नर से लगानी है मुझे ताकि एकदम सही लगे। ठीक है, वी दबा के तीन दबा देंगे, अब ठीक है, अब ठीक है। इसको दबा यहाँ लगा देंगे एक हेल्पर और उतर जाएंगे। देखो मैंने लाइम वाइम डाल दिया, बढ़िया सी प्लॉइंग व्लॉइंग कर दी, और ये हमारी फर्टिलाइज 50% हो गई और ग्रोइंग कैरेट। तो ये दो खेत का काम हो गया, अब चलते हैं तीसरा। ट्रैक्टर हमारा कहाँ गया, वो खड़ा सामने, ये वाला, ये फेंडर का ट्रैक्टर है। मैंने दो ली थी ये भाई लाइम के लिए, क्योंकि लाइम की बहुत ज़रूरत थी तो सब खेतों में, तो मैंने दो लेके दो लगाई थी, फटाफट काम हो गया हमारा। इसको अभी कर देंगे डिटैच, इसको थोड़ा आगे ले आएंगे, बस यहाँ कर देंगे डिटैच। अब लेते हैं उसको, अब लगाते हैं रेड कैबेज। बंद गोभी तो हमने देखी हुई है बहुत बार, रेड कैबेज देखते हैं। चलो इसको भी ले चलेंगे वहाँ पर वैसे ही जैसे उसको ले गए थे। इसका ढक्कन खोल लेंगे फर्टिलाइजर का, और पहले इसका बीज सेट कर लेंगे क्योंकि बाद में भूल जाते हैं हम। तो कैरेट कैबेज रेड कैबेज, ठीक है भाई। यहाँ जाके दबा देंगे आर। ये जो मोड मैंने कल लगाया था, ये मोड उसके साथ लगा नहीं क्योंकि कोई प्रॉब्लम थी, वहाँ पे आ नहीं रहा था। तो इसके अंदर हमारे सीड, इसमें सीड लाइम और इसमें मिलता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसको ले जाएंगे इसके पास थोड़ा सा आगे यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में है इसका फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग की कैपेसिटी है इसकी कितनी, अभी पता लगेगा, 5500 और सीड की कैपेसिटी है 1600। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है, मतलब दोनों की बराबर होनी चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसे कर रखा है। ये देखो इन्होंने गंद मचा दिया। लो भाई वुल भी मिल गया हमें, ऊन हमारी आ गई है। अब ऑटो लोडर लेंगे एक और इसको उठा लेते हैं, इसको तब बेचेंगे जब ये फुल हो जाएगा ऑटो लोडर। थोड़ी थोड़ी बेचने जाएंगे तो भाई बहुत टाइम ख़राब होगा। तो कल मैंने गाय को टोटल मिक्स राशन दे दिया सारा, जितना था वो हे लॉफ्ट में यहाँ से, तो सारा चला गया इनके पास। अब मैं अभी आपको जानवर भी दिखाता हूँ, खाना पीना इनका। तो यहाँ पर भी मैंने लाइम वगैरह डाल दिए, इसको कर लेंगे पहले अनफोल्ड। तो मैंने लाइम वगैरह डाल दिए, बढ़िया सी प्लोइंग कर दी थी। इसका ढक्कन बंद कर लेंगे, ठीक है भाई। भाई कोने से आना चाहिए एकदम, ठीक है। बी दबा देंगे और वी दबा देंगे, बी और वी और तीन दबा देंगे क्रूज मोड। तो ये हमारा रेड कैबेज लग गई।
तो चलो हेल्पर लगाते हैं यहाँ पर भी और उतर जाते हैं यहाँ से। अब देखते हैं, ठीक है, ग्रोइंग और फर्टिलाइजिंग हो गई इसकी 50%। तो अब चलते हैं इसमें। हाँ, कल मैंने वो आपको दिखाया था कि यार वो फ्रंट लोडर से गड़बड़ हो गई थी। फ्रंट लोडर को नहीं, जो ट्रॉली थी उसको मुझे करना था सिलेक्ट, तब जाके हे देनी थी उनको, लेकिन वो पता नहीं क्या यार कल दिमाग में क्या हो गया, समझ नहीं है। तो ये लोडर है, ये भी एक तरह का, ये भी माल उठाने के लिए है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, ये नीचे रहता है। तो ये इसकी बजाय तो आप वो ले लो फ्रंट लोडर, वो बढ़िया है। तो हमारी खेती हो रही है अभी, जब तक हम चलते हैं इनके पास। इन्होंने गंद बचा रखा है, ये देखो, अगर मैं इसको पूरा ऊपर उठा देता हूँ तो ये मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। जो फ्रंट लोडर है ना वो आसान है, बस ये इतना उठता है, और फ्रंट लोडर ज़्यादा उठता है इससे। चलो, तो हमारी खेती हो रही है अभी, जब होने देते हैं खेती जब तक, और इसके पास चलते हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, देखो इन्होंने कितना गंद मचा दिया। तो इसको कर लेंगे नीचे, ऐसे ऐसे और नीचे, और नीचे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी कर देंगे सफाई, ये ओह ओह फंस गया फंस गया फंस गया, ठीक है भाई, हो गई। अब ये जो पिग फूड आया है इसको हम उठाएंगे और इसको आप उस हे लॉफ्ट के अंदर डाल दोगे तो उसमें स्टोर हो जाएगा। जब आपको अगली बार चाहिए होगा फूड तो आप अपने इनको खिला सकते हो। तो ऐसे हम करेंगे इनकी सफाई अपने जानवरों की, यहाँ जाकर इसको ऊपर उठा लेंगे थोड़ा सा, और ठीक है भाई, ये हो गई एक सफाई सूरों की। अब चलते हैं मुर्गियों की तरफ। मुर्गियों ने भी जब तक वो खेती हो रही है, हेल्पर कर रहे हैं हम, जब तक खेत के दूसरे काम करते हैं छोटे छोटे से। तो इसको नीचे कर लेंगे एक बार, आ जाए। तो ये आया हमारे पास वीट, तो ये एक्स्ट्रा है जो बाहर गिर गया, मुर्गियाँ खाती रहती हैं। इसको कहाँ डालेंगे हम, इसको डालेंगे साइलो में, क्योंकि ये हे लॉफ्ट में नहीं जाएगी। तो इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है भाई, चल 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 चल, ठीक है, चला गया। चलो अब चलते हैं गाय के पास। ये आपको गेट खोलना पड़ेगा भाई, तो अपना ट्रक यहाँ से लेके आओ आप अंदर, और यहाँ से स्ट्रॉ डालो, और इधर से डालो आप TMR फूड, और वहाँ से निकल जाओ सीधा, ठीक है ना। तो यहाँ जाके इसको कर लेंगे नीचे, ठीक है, अभी नहीं उठी, और नीचे कर लेंगे थोड़ा सा भाई। इससे अच्छी तो मुझे तो इससे अच्छा फ्रंट लोडर लगा, वो जल्दी उठा लेता है सामान, ये भी ठीक है, लेकिन वो जल्दी, वो आसान है काम करना उससे, ठीक है। 1000 साइलेज है, 1016, तो इसकी कैपेसिटी है 13000। अब यहाँ तो इसको यहीं से घुमा लो अगर घुमा सकते हो, क्योंकि यहाँ फंस जाएगा ये, तो हम यहाँ से नहीं घुमाएंगे भाई, हम इसको यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अरे यार ये देखा, ये फंस जाता है छोटी छोटी जगह में। अरे चल भाई चल चल चल, इसको बंद कर देंगे भाई एक बार,
इसको बंद करके इसको सीधा करके और पीछे कर लेंगे, क्योंकि गेट खुलने में टाइम लगता है, गेट खुलने के लिए जगह चाहिए ना पूरी। तो ये हो गई गाय की सफाई, अब चलेंगे इसको लेके आराम से। गेट बाहर को खुलना चाहिए, क्योंकि अंदर से गाड़ी है तो गाड़ी वाला तो किनारे पे खड़ा होकर ही करेगा ना काम। इसको कर देंगे बंद। सफाई करने में 5-10 मिनट लगते हैं सबकी, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब साइलेज को भी हम उसमें डालेंगे, तो साइलेज से बन जाएगी हमारी टोटल मिक्स राशन, साइलेज हे और स्ट्रॉ से। ठीक है, इसको यहाँ ले आकर ऊपर उठा लेंगे और थोड़ा सा आगे कर लेंगे। ठीक है, ये चलेगी हमारी साइलेज। चलो वापस, अब चलते हैं। अब रह गए हमारे सिर्फ घोड़े, बाकी हमने सबकी सफाई कर दी। घोड़े हमारे उधर हैं, पहले इनका गेट बंद करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने मोड़ लगा रखा है एनिमल वर्कर का, वो काम कर रहे हैं खाना, लेकिन मैंने खाना पीना पहले इनको सब दे दिया था। तो जब तक हमारी खेती हो रही है, हमारी सीडिंग प्लांटिंग हो रही है, तो ये तीनों प्लांटिंग हो रही है भाई, सीडिंग नहीं हो रही। तो आपको प्लांटर लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये गहरी जड़ों वाली सब्जियाँ हैं, ज़मीन के अंदर उगती हैं काफ़ी गहरी। तो आप सीडर मत लेना, प्लांटर लेना। तो घोड़ों की सफाई तो पूरी है भाई, चलो घोड़ों ने कुछ गंद नहीं बचाया। इसको वापस खड़ा कर देते हैं। तो ये ट्रक हो गए हमारे, और यहाँ पर हमारा हो गया लोडर। तो आप फ्रंट लोडर मैंने भेज दिया था कल वैसे तो, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ये लोडर है ऑलरेडी। तो चलो भैया, अब उतरते हैं, उतर जाएंगे यहाँ से। और अपने पास एक है पानी का टैंक, देखते हैं इसमें कितना पानी है। इसमें पानी अभी काफ़ी है, और जानवरों को पानी वानी इनका सब फुल है। सफाई हो गई, इनकी सफाई भी कर दी मैंने पूरी, इनकी भी 100% हो गई। खाना पीना इनका फुल हो गया। ये एनिमल वर्कर आए थे, कॉर्ड मैंने कल दिया था थोड़ा सा, अब उन्होंने बाकी भी दे दिया। मुर्गियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं खाती। सबसे आसान है मुर्गियाँ पालनी, मुर्गियाँ पालो खूब सारी। देखो, मुर्गियों को सिर्फ वीट बाली चाहिए, और वीट या बाली कोई भी एक चीज़ दे दो, और सफाई भी इनकी ज़्यादा नहीं होती, स्लरी वलरी की कोई ज़रूरत नहीं होती। और घोड़ों को भी सब कुछ ठीक है। तो पानी, ये पानी का टैंक है, तो हमें पानी का टैंक नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूसरा, हमें चाहिए दूध का टैंक। तो यहाँ पर जाएंगे खुली सी जगह में, और अपना स्टोर को करेंगे सेट, शॉप को। हमें चाहिए दूध का एक टैंक बड़ा वाला, एनिमल में जाके दूध का टैंक लेंगे। ये इससे बड़ा टैंक अभी तक मिला नहीं है, इसको बाय कर लेंगे। इसके लिए चाहिए एक ट्रक। तो ट्रक यार ये नहीं कभी ख़रीदा फिनिक्स का ट्रक। वैसे तो मेरे पास मोड मैंने लगा रखे हैं, तो मैन का ट्रक भी हमने देखा हुआ है कई बार। ये ट्रक बहुत लंबा है, फंस जाता है। तो चलो मैन का ट्रक ही अच्छा है, इसको ले लेंगे। इसको कर लेंगे दूध का ट्रक है ये। चलो ऑरेंज कलर लेते हैं, इसको कर लेंगे बाई। यस ओके, तो हमें दूध भी इकट्ठा करना है अब गायें से। आ जा, लग जा पीछे। तो ये हो गया हमारा दूध का। तो दूध के लिए हमें जाना है इस पॉइंट पे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मिल्क, आपको पता लग जाएगा आराम से यहाँ पर। ठीक है, आर दबाएंगे। अभी दूध हमारे पास कम आया, अभी आया है, अभी एक रात बीती है ना, तो जब ज़्यादा रातें बीत जाएंगी तब होगा ज़्यादा। ठीक है,
इसको यहीं पे छोड़ देंगे, अभी डिटैच कर देंगे इसको, टैंक यहीं पे खड़ा रहेगा। अब आते हैं इधर, उधर जाएंगे नीचे और फिर स्टोर पे जाके शॉप पे जाना पड़ेगा भाई एक बार और। अरे दबा नहीं भाई, ये आवाज़ आनी चाहिए, कुछ ये कड़ोंग सी आवाज़ आती है। अब चाहिए हमें, चाहिए स्लरी टैंक। तो ये मैनुअल स्प्रेडर हो गया, ये हो गया स्लरी टैंक। इसकी कैपेसिटी 30,000 है, इसकी कितनी है, इसकी 34,000। लेकिन ये स्प्रेडर है तो हमें चाहिए सिर्फ जो हमें बेचनी है। तो ये है सलरी, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो हमें ट्रांसपोर्ट करनी है तो ये लेना। अगर आपको ट्रांसपोर्ट नहीं करनी, अगर आपको अपने खेतों में छिड़कनी है तो आप ये लेना, ठीक है। ये स्प्रेडर है, ये भी स्प्रेडर है, और ये है टैंक बेचने के लिए। तो सलरी का टैंक का कम कलर चेंज कर लेंगे यार, अच्छा सा नीला रहेंगे डार्क ये। अरे यार लिया नहीं, एक मिनट बाय, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसको भी बाय करना पड़ेगा। अब चलेंगे अपने ट्रक में भाई, इनके पीछे ट्रक लगते हैं, या डॉली लगाओ आप, डॉली लगती है, या डॉली लगा लो या ट्रक लगा लो। तो अब चलेंगे इसके अंदर, आप ट्रक और ख़रीद सकते हो, नहीं तो इसी को इस्तेमाल करो। और यहाँ पर मिलेगी इसकी स्लरी, अब देखते हैं स्लरी मिलती है यहाँ से कितनी। यहाँ पर ले आके आर दबाएंगे तो सैलरी आ गई है 8,186। यहाँ पर पॉइंट नहीं बना रखा इन्होंने, वैसे ही आप ट्रक खड़ा कर देना आपको मिल जाएगी। वैसे तो पॉइंट होना चाहिए था लेकिन बनाया नहीं इन्होंने। सैलरी हमें मिलेगी एक इनके पास, एक मिलेगी सूरों के पास, क्योंकि सूअर भी बहुत खाते हैं, सूअर का पेट भी बड़ा होता है, तो सैलरी वो भी बनाते हैं। एक मिलेगी यहाँ पर, तो यहाँ जाके आप आर दबा दोगे तो इनकी है 4,826। तो ये टोटल हो गई 13,000। तो जब ये 30,000 हो जाएगी तो हम सैलरी बेचेंगे, अभी नहीं बेचेंगे, अभी इसको वहीं खड़ा कर देंगे। एक दिन और बीत जाएगा तो हमें दूध वगैरह सब मिलेगा। इसको यहाँ लगा देंगे और इससे उतर जाएंगे। तो अब बचे हैं हमारे पास, क्या काम बचा हमारे पास फार्म हाउस के अंदर, ये क्या हो रहा है, ओके ओके, ये कलर दिखा रहा है भाई, ये रेड कैबेज का ये कलर दिखा रहा है, अच्छा, और ये कैरेट का ये कलर दिखा रहा है, और चेरी का कलर है पीला, वैसे तो यार ये पिंक होना चाहिए था, चलो। और ये दिखा रहा है ऑनियन का, ऑनियन का कलर ऐसा आएगा, ये तो ऐसा लग रहा है लाइम डालने की ज़रूरत है। तो इसने इतना खेत कर दिया है, इसने इतना ही करा है अभी, इसने इतना सा करा है, ये इसमें बहुत टाइम लग रहा है। चलो जब तक वो कर रहे हैं हम अपना खेत का काम निपटाएं, इसमें चलते हैं। तो ये ऑटो लोडर है हमारे पास दो, ये दोनों बेल उठाने वाले हैं, तो हमें बेल नहीं उठानी, हमें वो उठाना है सामान, हमें उठाना है एक ट्रैक्टर, और कहाँ है हमारा, तो यार ट्रैक्टर एक नया लेते हैं, तो ट्रैक्टर लेंगे शॉप पे जाके। मैंने आपको दिखाया था लंबोर्गिनी का ट्रैक्टर, लेकिन उसका मोड लगाया था मैंने, लेकिन मैंने खरीदा नहीं था ये भाई, ये है लंबोर्गिनी का ट्रैक्टर, इसका मोड मैंने जब गाड़ी लगाई थी तब लगाया था। तो इसके पहिए आप कोई भी ले लो, और एक्सेसरीज लगानी है लगा लो। और ये क्या है, इंजन, इंजन इसका है 325 हॉर्स पावर का, और इसमें फ्रंट लोडर लगेगा नहीं लगेगा, अभी नहीं, फ्रंट लोडर नहीं लगेगा, तो हमें इसमें फ्रंट लोडर चाहिए भी नहीं, हमें तो सिर्फ ये चाहिए ऑटो लोडर के लिए। इसको कर लेंगे बाय, ओके। और एक लेते हैं ऑटो लोडर, इसमें जाएंगे टूल में ऑटो लोड, इसमें नहीं आएगा, आपको मिलेगा बेलिंग टेक्नोलॉजी में, मैंने आपको कल दिखाए थे मोड, ये हैं बेल वाले, ये भी बेल का है, ये भी बेल का है, ये है पैलेट, ये पैलेट के लिए, तो ये भी है, ये बेल का है, ये भी बेल का है, ये है पैलेट उठाने वाले, यानी कि ये उठाएंगे वोल अंडे, ये बेल भी उठाएंगे, ये सारा काम करते हैं।
तो ये तो इसी में मिल जाएंगे हमें ऑटो लोड में। ये फ्लाइजल के आप देख लो, DPW 180, ये इनका ये मॉडल है। तो आपको ये फ्लैट चाहिए कैसे चाहिए आप वो उस हिसाब से ले लो। ये वाला इसका डिज़ाइन ऐसा होता है, थोड़ा स्टाइलिश सा है, और उसका वैसा सिंपल है। इसको करेंगे, इसका कलर नहीं चेंज होता, नहीं। ये हमें चाहिए दो वैसे तो, क्योंकि एक अंडे उठाने के लिए रखेंगे, एक रखेंगे कॉटन के लिए। आ जा भैया, आ जा। तो ये है भाई लंबोर्गिनी का ट्रैक्टर, देख लो एक बार, बढ़िया सा है, बहुत ही प्यारा है। ये है R7320। ये पहिए को क्या हो रहा है? ठीक है, अब इससे हम उठाएंगे अपने वूल अंडे। अंडे तो अभी आए नहीं, एक बॉक्स आया अंडे का, अंडे का एक बॉक्स आया है, और इसमें भी अभी कमी आई है। चलो अभी इसको खड़ा करते हैं वापस, अभी आई नहीं। तो ये है भाई लंबोर्गिनी का ट्रैक्टर, बढ़िया है भाई बहुत ही। तो हमारे ऑटो लोडर यहाँ पे खड़े कर देंगे इकट्ठे, ताकि हमें पता लगे कि ऑटो लोडर कहाँ पर खड़े हैं। तो ये हो गया हमारे ऑटो लोडर, लो भाई खड़ा हो गया। अच्छा है ट्रैक्टर यार, आवाज़ अच्छी। इसके पहिए अगले काफ़ी बड़े हैं, देखो वो केस का ट्रैक्टर के पहिए छोटे हैं इसके, लेकिन अगले पहिए भी काफ़ी बड़े हैं। हैवी है ट्रैक्टर यार, अच्छा लग रहा है। ये है लंबोर्गिनी का। चलो यार, चलो देखते हैं इन्होंने कितना काम कर दिया। इसने करा आधा, इसने अभी भाई इतना ही करा है, ये तो अभी बहुत खेत पड़ा है। इसने आधा कर दिया क्योंकि ये बड़ा है ना काफ़ी, ये अभी कर रहा है। चलो इनको करने दो और इसमें चलते हैं। भाई दो भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी, उनको दिखाने हैं, दो मोड हैं यार गाड़ियों के, वो दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। तो एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी ऑडी, ऑडी कार का, ऑडी कार। एक मैंने लगाया भाई BMW, आज BMW की गाड़ी है वाइट कलर की। इसको 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 यार कौन सा कलर लें, ये अच्छा लग रहा है। चलो ये है BMW, और इसमें दूसरी गाड़ी कहाँ गई, ये एक और थी BMW, ऑडी का था तो सही, मेरे पास कहाँ गया कार में, ऑडी ऑडी। अच्छा ऑडी का यार एक लगाया तो था, ऑडी का मोड कहाँ चला गया, ऑडी का नहीं था। आज मैंने लगाया टोयोटा लैंड क्रूजर, ये है रेड कलर, ये ब्लैक क्यों है यार, रेड होनी चाहिए। चलो इसको करते हैं भाई, ये दो गाड़ियाँ ली हैं आज यार। ऑडी का मोड था मेरे पास भाई, ये बुगाटी है, ये BMW है, ऑडी का मोड भी लगाया हुआ है, कहाँ है। अच्छा ये हुंडई है, मुझे लगा ये ऑडी है, ये हुंडई है, हुंडई एसेंट। तो यार डकार क्यों आ रहे हैं भाई। तो ये लगाए हैं दो भाई, रोल्स रॉयस का तो मिला नहीं है। ये है BMW 1.5 स्टॉक, वाइट अंदर से वाइट है इसका सारा डिजाइनिंग, यानी ये है भाई। अरे यार हॉर्न तो अच्छा सा लगा दिया करो। तो ये है BMW, इसकी स्पीड टॉप स्पीड 220 की है सिर्फ, जैसी हमारी जीप की थी। ये ओ माय गॉड, एक सौ पचासी 200, ओह उछल गया भाई उछल गई। तो ये हमारा खेत है, यहाँ पे हो रहा है अभी काम, इतना कर दिया उसने और बाकी अभी लग रहा हुआ वो हो रहा। ठीक है अभी इसका काम होने वाला, जब तक हम इसकी एक मिनट देख लेते हैं इसकी स्पीड वगैरह। तो इसको लेके चलते हैं अब एंड तक। हट जाओ भाई हट जाओ, 220 तक तो पहुंच ही जाएगी यार।
आराम से पहुंचेगी। लो पहुंच गई ये हमारी, यार कॉटन भी उग गई है भाई। 220 की स्पीड है मैक्सिमम ये। ओहो सॉरी 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 अरे भाई देखा नहीं मैंने, अगर असली ज़िंदगी में टक्कर मार देते तो अभी मुझे पीटता वो। तो लो भी एनिमल वर्कर ने 8 घोड़ों को ट्रेन कर दिया है, तो घोड़ों को ट्रेनिंग भी देनी है यार हमें, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। तो ये हो गई BMW, इसको भी कर देंगे गाड़ियों के पास खड़ा। भाई ये कनाडा है, यहाँ से कोई चीज़ चोरी नहीं होती। आप सोचो कि बाहर गाड़ी खड़ी है तो कोई चोरी करके ले जाएगा, यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर ऐसे ठीक है। भाई ये होगी हमारी BMW। अरे गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। ये है लैंड क्रूजर, लो भाई इसकी आवाज़ भी सो रही है। इसकी स्पीड 206 की है। अरे यार ए सॉरी सॉरी, ये अंदर से ऐसी है भाई। ओके अच्छा ऊपर से भी है, ग्लास लगा हुआ है। और भाई गाने वाने के लिए डिस्क विक सब लगी हुई है, देख लो लैंड क्रूजर का मोड है ये। गाड़ियाँ तो बहुत हैं, इसको पहले कोने पे लेके चलते हैं। ये स्लो लग रही थोड़ी सी, थोड़ी हैवी गाड़ी है ना ये, और ये अंदर से इसका ग्लास सही नहीं है। ये मोड मज़ेदार नहीं है, ये हैवी है इसलिए इसकी स्पीड देखो कितनी स्लो बढ़ चल रही है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। इसमें दम ना है, ये बकवास है लो 100 की स्पीड भी नहीं हुई यार अभी तक। अरे बस मैक्सिमम स्पीड 100 की, 101 भाई 206 की स्पीड दिखा रहा है और चल रहा है 101। ये मोड बेकार है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। भाई कोई मोड का अगर आपको आपके पास लिंक हो तो उसको दे देना लिंक, उसमें कमेंट्स के अंदर मैं कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा भाई, वो मोड ज़रूर दिखाऊंगा यार। अगर हमारे भाई खुश नहीं होते फिर हमें क्या फ़ायदा भाई चैनल बना के, चैनल का क्या फ़ायदा हुआ जब हमारे दोस्त खुश नहीं हुए तो फिर क्या मज़ा है। नाम मर्रीस की 100 में ही, 100 से ऊपर नहीं जा रही भाई ये। अरे ये तो बहुत बकवास निकली यार, इससे बढ़िया तो वो जीप है 220 की स्पीड में चलती है। चलो यार गैरेज पे चलते हैं एक बार, इसको कर देंगे वापस ऑन आइटम क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। कहाँ गई कहाँ गई, लेकिन गई कहाँ। ये BMW अच्छी है, इसकी स्पीड सही है। ट्रैक्टर हमारे पास ये भी हो गया, काफ़ी सामान हो गया अभी हमारे पास। पेड़ काटने की मशीन भी है हमारे पास। ये रेंज रोवर, ये बहुत अच्छी रेंज रोवर, ये इसको कर देंगे वापस। चलो ठीक है, हमारी गाड़ी बिक गई है। अच्छा आपके पास साइलो में बहुत सारा सामान पड़ा है तो आप अपने ट्रक भर भर के ले जाओ, और आपके खेत के पास ही पॉइंट हैं बहुत सारे बेचने के। दिखाता हूँ अभी आपको इससे इससे, ठीक है। सबसे ये स्टेशन कैपिटल सबसे पास है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट, ये ओल्ड बार्न, ये विंड रोड, जो जो सामान जहाँ बिकता है, ये साउथ ग्रेन, यहाँ भी आपका सारा सामान बेच देगा। सीधे रोड है, बिल्कुल सीधा आओ तो साइलो का सारा सामान बेच सकते हो आप, ठीक है भाई। तो चलो यार एक बार अपने खेतों पे चलते हैं, इनको हटा देंगे एक बार क्योंकि इनसे फिर समय नहीं आता। तो दूध हमने ले लिया इसका, लेकिन काम नहीं हुआ अभी, इसका अभी हो रहा है, इसका इसने कर दिया काफ़ी क्योंकि छोटा है खेत। अच्छा हाँ यार कॉटन को देख लें एक बार, एक बार कॉटन 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 आ गई। फर्टिलाइज ठीक है, फर्टिलाइजिंग 50%। इसमें गेम में थोड़ी सी 5-10 मिनट बाद अपडेट होता है, अगर कोई चीज़ आप करते हो तो थोड़ी देर बाद अपडेट होती है, उसी टाइम भी हो जाती है कोई कोई चीज़, लेकिन थोड़ी देर बाद होती है। तो ये है हमारी कॉटन भाई, रेडी टू हार्वेस्ट, फर्टिलाइज 100%, वीड 0%, ठीक है। इसको काट दें क्या आज, एक मिनट अभी वीडियो यार फिर बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसको काटना है पूरी को, और
अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको ग्रास वगैरह काटनी है तो आप यहाँ से काट सकते हो। तो उसके लिए आपको फिर शॉप पे जाके एक ग्रास के लिए मोवर खरीदना पड़ेगा। मोवर ये होते हैं, मोवर ये आप ले लो एक किराए पे, ठीक है। तो ये हमारे खेत के पास ग्रास लगी रहती है बहुत सारी, चारों खेतों के पास देख रहे हो, तो उधर भी लगी, इधर भी लगी, हर खेत के आसपास हमारी ग्रास लगी है। तो थोड़ा सा एक कोने पर जाएंगे, पहले इसको कर लेंगे अनफोल्ड, क्योंकि ग्रास की ज़रूरत है हमें टोटल मिक्स राशन बनाना है। तो ये आपको ये ग्रास का भी आज दिखा देता हूँ यार। तो यहाँ पर जाएंगे कोने पे ऐसे इधर, ठीक है। अरे यार सीधा तो हो जा, ये सीधा भी नहीं हो, ठीक है। इसको कर लेंगे वी से डाउन, ओके। और इसको कर देंगे आप, अरे तीन तीन दबा देंगे, अरे काटे क्यों नहीं भाई, एक मिनट F1 करते हैं, टर्न ऑन, बी से ऑन करना पड़ेगा, ऑन तो किया ही नहीं। अब तीन दबाएंगे तो ये घास काटने लगा, ठीक है। यहाँ पे हेल्पर लगा देंगे, ओह हेल्पर खेत में काटेगा, यहाँ नहीं काटेगा, तो यहाँ में खुद ही काटनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो काटनी है, मैं आपको दिखानी है मुझे काट के थोड़ी सी। तो ये मोवर होते हैं, ये काट देते हैं ऐसे, ये काफ़ी घास हो जाएगी दोस्तों, बहुत घास है ये, यहाँ भी है इधर भी है, वो सामने देखो खेत के पास उधर भी है। तो इससे क्या है कि हमारे खेतों की सफाई भी हो जाएगी और आपको घास हे ये भी मिल जाएगी। अगर वीट लगाओगे उसकी बेल बनानी है, थोड़ी सी बेल बनाओ, बाकी स्ट्रॉ को हे लॉफ्ट में डाल दो, ताकि आपको टोटल मिक्स राशन मिलता रहे अपनी गाय के लिए। और स्ट्रॉ भी चाहिए होती हैं, हमारे घोड़े खाते हैं, गाय भी स्ट्रॉ खाती हैं और पिग भी खाते हैं, तो आपको ये हे स्ट्रॉ की भी बहुत ज़रूरत है। तो आप हे लॉफ्ट में डाल दो, जब आपको चाहिए हो आप निकाल लो, ठीक है। अभी ये हमारी घास हो गई, बस इसको बंद कर देंगे, अभी इसको बीच से उठा लेंगे ऊपर और घुमा लेंगे एक बार, ठीक है। वी से दबा के तीन दबा देंगे, फिर थोड़ा साइड में कर लेंगे ताकि इधर को हो जाए। ओह भाई ये बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेंगे। हेल्पर नहीं लग रहा यहाँ पे, दरअसल ये हेल्पर लगता है खेत में, ये बाहर है तो हेल्पर काट नहीं रहा। लगाऊं हेल्पर? नहीं, देखा हेल्पर नहीं काम कर रहा है यहाँ। यहाँ पे हेल्पर काम नहीं कर रहा। तो चलो आज हमने कर दी बड़ी सी खेती, मैं आप इन तीनों को बड़ा सा पूरी खेती कर देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो तो पहले अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं काम करता रहूँगा जब खेती हो जाएगी। तो कल फिर कल करेंगे कटाई बहुत बड़ी सी रुई की, उन फसलों की, फिर उनको बेचेंगे, फिर आएगा मज़ा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ घास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कि इसमें आपको घास कैसे कैसे करनी है। तो बस 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 ठीक है, इसको उठा लेंगे वी से ऊपर, गाड़ी आ रही है, एक मिनट उसको जाने देंगे भाई, चला जा चला जा। ठीक है, इसको वी दबा लेंगे नीचे और तीन दबा देंगे और सीधा सीधा रखेंगे एकदम। यहाँ पे हेल्पर नहीं लग रहा, नहीं तो मैं अभी जाके अपना ट्रक लेके आता, उस ट्रक से मैं अपना काम कर लेता। तो घास की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, हमें हे चाहिए, हे की ज़रूरत है, क्योंकि हे खाते हैं घोड़े और शीप, और ग्रास से वैसे तो साइलेज भी बनती है, तो ग्रास की थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन हे की ज़रूरत तो भाई सबकी है। अब आप कहो कि पांच उंगलियों में से किसकी ज़रूरत नहीं है, भाई सबकी ज़रूरत है। तो ऐसे ही ज़रूरत तो सबकी होती है, लेकिन ऐसे किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये कट गई हमारी घास, एक एक लाइन और चलाऊंगा भाई मैं, बस
चल काट दे काट दे। वी से ऊपर उठा लेंगे और इसको घुमा लेंगे। ये मोवर है, मोवर इसको किराए पे ले लो या खरीद लो एक, अगर आपको बार बार घास काटनी पड़ती है। इसको थोड़ा सा अंदर लेके जाऊंगा मैं ऐसे। ये सेंसिटिव बहुत है, इनका स्टीयरिंग ज़्यादा ही सेंसिटिव है, थोड़े से जल्दी कट जाते हैं ये। ठीक है, वी दबा के और तीन दबा देंगे तो ये हमारी घास भारी लगी रहती है। आराम से काट दो इसको, इधर भी लगी है, दूसरे खेत में भी लगी है। घास का मैंने आपको बताया हुआ है शायद पहले, कई बार बताया, टेडर होते हैं, विंड्रोअर होते हैं, विंड्रोअर से ये इकट्ठी हो जाती है और फिर उठाने में आसानी रहती है। अब यहाँ पर लगी है, ये भी काट दो साइड में। ठीक है भाई, कट गई ये, थोड़ी सी बीच में रह गई। वीडियो यार एक घंटे का हो, कुछ भी कर लो बन ही जाता भाई, एक घंटे का वीडियो क्या करूँ, अब छोटे छोटे वीडियो कैसे बनाऊँ। अलग मैं सोच रहा हूँ अलग अलग पार्ट में बना दूँ, यानी कि पहले एक खेत का दिखाऊँ 20-25 मिनट का, फिर दूसरे का दिखाऊँ 20-25 मिनट का, फिर तीसरे का दिखाऊँ, तब भी एक घंटे का, तब तो एक घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा। तो यह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अपनी गाय के लिए, अपने जानवरों के लिए चारा बना सको। आप चारा ऐसे बना सकते हो, आपको घास उगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके खेतों के पास घास लगी है उसको काटो, उसको काट के सफाई कर दो, खेतों की भी सफाई हो जाती है और आपको चारा भी मिल जाता है। तो ये हमारी घास कट गई सारी, ठीक है, इसको कर देंगे बंद, बी से ऑफ कर देंगे और फोल्ड कर देंगे इसको। यहाँ पर ये घास लगी है, मैं इसको बाद में काटूँगा। ठीक है, मुझे चाहिए एक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चाहिए कोई भी, ये हल्का है, ये थोड़ा हल्का है, मुझे हैवी चाहिए, ये इसको कर देंगे डिटैच। अरे अटैच कैसे हो गया, अच्छा डिटैच था, अरे ओ अच्छा, जी से सिलेक्शन करेंगे और इसको करेंगे। तो यार ये जी से भी गड़बड़ हो गई थी कल, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, तो इसके पीछे जाके लूँगा मैं। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे थोड़ा पास, अरे नहीं कंट्रोल शिफ्ट एस। अब मुझे चाहिए एक विंड्रोर, तो ये विंड्रोर यहाँ पे होते हैं, इसमें विंड्रोर 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये विंड्रोर है, ठीक है, ये है 9 मीटर का, ये है 14 मीटर का। तो वैसे तो मैंने ये मोड भी लगा रखा है बहुत बड़ा 18 मीटर का, लेकिन अभी लेते हैं हम 9 मीटर का। इसको करेंगे किराए पे, ओके। तो ये आ गया हमारा विंड्रोर, इसमें लगाएंगे ट्रैक्टर को। ओह विंड्रोर से पहले यार उसको टेडर से हे बनाना था, ये तो उसको इकट्ठा कर देगा, अगर ये तो घास को इकट्ठा कर देगा। चलो ये भी दिखाता हूँ आपको, लेकिन भाई ये गड़बड़ हो जाएगी, इसको पहले यहाँ खड़ा कर देता हूँ। बस बस बस, पहले चाहिए टेडर ग्रास से हे बनाने। अगर तो आपको ग्रास चाहिए तो उस विंड्रोर को लगाओ, वो लाइन बना देगा, आप ग्रास उठा लो। अगर आपको हे चाहिए तो हे के लिए आपको टेडर लेना पड़ेगा, टेडर, इसके लिए आपको स्टोर पे जाके टेडर, ये टेडर होते हैं, ये ग्रास को बनाते हैं हे, ठीक है, ए टेडर टर्न ग्रास अराउंड सो इट कैन ड्राई फास्टर। तो ये है भाई 8 मीटर का, ये है 6 मीटर का, तो चलो 6 मीटर का छोटा सा है ये ले लेते हैं। इसको करेंगे किराए पे, ठीक है, इसको लगाते हैं इसके पीछे,
अरे मेरी वाइफ क्या देगी भाई, एक मिनट, अमरूद देगी भाई काट के। अरे किधर गया, इधर इधर। ठीक है भाई, इसको खोल लेंगे, एक्सरे। ये तो यार बहुत ही छोटा है। चलो इसको लगाएंगे कोने पे ऐसे, पीछे ला के इसको कर लेंगे वी से डाउन और तीन दबा देंगे। अरे बी से ऑन भी करना पड़ेगा, बी से ऑन और तीन दबा देंगे। तो ये बांधी हमारी ग्रास से है, ये छोटा है भाई, बड़ा लेना था 9 मीटर का। तो ये देख रहे हो कलर चेंज हो गया इसका, तो ये हमारी हे बन गई। तो ये हे बना रहा है, इसका काम हो गया, इसका थोड़ा सा रह गया यार, इसको इसका काम हो गया। ले भाई ये बड़ा था ना, देखो 18 मिनट ने पूरा खेत कर दिया। इसकी बस एक लाइन बची है, इसका थोड़ा सा रहता है। तो ये हो गई हमारी हे, ये है टेडर, वो है विंड्रोर, वो है मोवर। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि अंग्रेज़ों को तो पता ही, ये नाम हमें इंडियन को हिंदी में तो पता है लेकिन इंग्लिश में ये नहीं पता कि ये क्या काम करता है। तो भाई ये बन गई हमारी हे, इसको घुमा लेंगे एक बार, पीछे ले आएंगे। तीन दबा देंगे, तो जितना आपका टेडर का साइज है ना, टेडर का ये जो टेडर है इसका साइज अगर 9 मीटर है तो विंड्रोर भी 9 मीटर का लेना, तो दोनों बढ़िया काम करेंगे। मैंने गलती कर दी, 9 मीटर का लेना था मेरे को। चल भाई चल, आज मैं सोच रहा हूँ GTA 5 खेलूँगा, इसके बाद अगर उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं आज ही इनकी कटाई कर दूँगा, ताकि भाई फिर कल FS20 भी आ रही है और मैंने रजिस्टर करा हुआ है लेकिन मुझे अभी तक उसकी कॉपी नहीं मिली कोई भी। अब पता नहीं वो कैसे ख़रीदनी पड़ेगी या कैसे मिलेगी, अब ये नहीं पता। तो देखते हैं, अगर कल मिल जाएगी तो कल दिखाऊंगा फिर आपको उसका इंट्रोडक्शन बढ़िया सा। तो ये है ग्रास, ये है हे। तो ये हमारी हो गई हे, बन गई। ठीक है, इसको अभी मैं बी से बंद कर दूंगा और इसको ये छोटा ले लिया मैंने, गलती कर दी। चलो 9 मीटर का लेना था, इसको कर दूंगा फोल्ड और भाई इसको यहाँ डिटैच कर दूंगा। ये होगा डिटैच। अब चलते हैं विंड्रोर की तरफ, वो हमारा है 9 मीटर का। इसको कर लेंगे अटैच, इसको अंदर ले चलेंगे थोड़ा सा पहले, बस ठीक है। तो कर देंगे फोल्ड, अनफोल्ड सॉरी, ये बड़ा है तो इसको सेंटर में लगा लेंगे ऐसे, पीछे ले आएंगे एक बार सीधा करके। अरे यार एक तो इसको घुमाना बहुत मुश्किल है। तो जितना इसका साइज है उसके हिसाब से ये खंभा भी बीच में आ रहा है। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, अब ये सारी जो घास है इसको इकट्ठा कर देगा। इसको चला देंगे हम वी से डाउन सॉरी, और बी से ऑन, और तीन दबा देंगे और इसको कोने कोने चलाएंगे ऐसे।
तो ये जो है इसको एक लाइन में बना देगा ताकि आपको उठाने में आसानी हो। यहाँ पर भी हेल्पर काम नहीं करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। भाई माइक ऑन भी था, ऑन तो है भाई। यार कई लोग सोचते हैं कि मैं पगड़ी वगड़ी बांध के नहीं बनाता वीडियो, तो भाई पगड़ी बांध के सुबह से लेकर शाम तक बैठ के वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ये पगड़ी की बहुत आदत नहीं है, क्योंकि मैं किस पिछले कई साल से घर पे ही काम करता हूँ इंटरनेट पे, और भाई इसलिए मुझे पगड़ी की बहुत आदत नहीं है। कई लोग होते हैं सुबह से बांध के शाम तक काम करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता। तो भाई उसके लिए सॉरी, मैं पटका बांध के करता हूँ। तो ये हो गई भाई हमारी है कि एक लाइन, इसको कर लेंगे बंद और बीच से ऊपर उठा लेंगे। ऐसे हम बनाएंगे घास की। तो ये हो गई हमारी ग्रास। यहाँ पे हेल्पर लगाऊं, यहाँ पे हेल्पर नहीं लग रहा। तो देख रहे हो ये उसको घुमा घुमा के इसने एक लाइन बना दी। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम इसको उठाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। ये घास कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बहुत घास है, ये बहुत लंबा खेत है। तो घास के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से काट दो। मैं सोच रहा था कल परसों कि यार घास अगर चाहिए होगी तो कैसे करें, खेत में घास लगाते हैं। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार इतनी घास लगी है, इसका इस्तेमाल करो। तो वीडियो यार हो ही गया, एक घंटे का हो ही गया यार। मैं कहा यार आपको बता ही दूँ कि घास उठा के आपको वहाँ डालनी है हे लॉफ्ट में, तो आप कैसे बनाओगे घास और हे, इसका मैंने पहले बता रखा है वीडियो में, लेकिन कई लोग हैं कि वो फिर दोबारा दोबारा पूछते रहते हैं। तो ये हो गई हमारी, आज मैंने आपको ग्रास का भी बता ही दिया। ठीक है, अब इसको कर देंगे वी, बी से बंद, एक्स से फोल्ड। तीन कमांड देनी पड़ती हैं, इसका काम हो गया। चलो ठीक है, अब जलेंगे। अब जाऊंगा मैं अपने इस ट्रक के अंदर, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, इसके। ठीक है, ये है हमारा उठाने वाला, ये सारा, ये घास वगैरह उठाने के लिए, घास, हे, स्ट्रॉ, साइलेज, टोटल मिक्स राशन, ये सामान उठाता है। इसका ढक्कन खोल लेंगे एक बार जल्दी से, इसको ले चलेंगे हे के ऊपर, इसको ले आके बिल्कुल सीधा सीधा हे के ऊपर लगाएंगे, और इसको वी और वी से ऑन कर लेंगे वी। ठीक है, और इसके ऊपर ले चलाएंगे बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे। ये उठा क्यों नहीं रहा भाई, नीचे क्यों नहीं हुआ ये? अच्छा भाई नीचे करा तो था, हुआ नहीं। इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को। ठीक है, अब इसको एक मिनट यार, वी से डाउन करना पड़ता। करा था लेकिन हुआ नहीं, पता नहीं दो बार दब गया होगा। तो ये हमारी हे आ गई। ये हो गई 501% हुई है अभी। ये ग्रास और हे इकट्ठी नहीं उठाएगा, अलग अलग उठाएगा। आपको ये लोड करके आनी पड़ेगी, फिर आप ग्रास उठाओगे, ऐसे काम करता है। तो एक बार उठा के आपको डाल के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आप ग्रास डाल देना, ऐसी उसकी बनाना, साइड में जो खेत है उसकी बना लेना, इसकी बना लेना, इनको करके आप अपना काम, अपनी ग्रास और हे इकट्ठी कर सकते हो, फिर अपने जानवरों को खिलाओ। ये देखो एक लाइन के अंदर इसने 10,000 उठा ली, तो यानी कि अगर 5 लाइन लगाएगा तो एक ट्रक भर जाएगा आपका, 50,000 हो जाएगी।
इस ट्रक में आ गई हमारी 20%। तो वी से ऊपर उठा लेंगे ब्लेड को ताकि नीचे ख़राब ना हो सड़क के ऊपर। इसको घुमा लेंगे एक बार, गाड़ी भी आ रही है। अरे गाड़ी वाले इसको जाने दो यार पहले, नहीं तो ये हंगामा कर देगा। तो इसके ऊपर लाएंगे, फिर यहाँ पर भी हे पड़ी है, इसके ऊपर चला देंगे एक बार ऐसे। तीन दबा दो क्रूज मोड, बस सीधा सीधा। वो देखो वो उठा रहा है ना हे, ये देखो। अगर आप विंड रोड नहीं भी चलाओगे तब भी उठा लेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर आपको इसको ज़्यादा बार चलाना पड़ेगा। विंड रोड से क्या है कि लाइन बन जाती है, तो ये जल्दी जल्दी उठाता है। आप देखो ये धीरे धीरे उठा रहा, तो मैं हे उठा लूँगा एक बार सारी। उठा रहा कि नहीं भाई, उठा तो रहा, थोड़ी बहुत छोड़ रहा। तो हमारी हे हो गई 25%। इसको उठा के लॉफ्ट में डाल दो या अपने जानवरों को खिला दो सीधा ले जाके। लॉफ्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई 26%, 26, 27, 28। एक का काम ख़त्म हो गया, दूसरे का भी हो गया, तीसरे का हो रहा है। तो ये हमारी है उठ गई सारी। लो भाई इसको कर लेंगे अब बी से बंद, और वी से इसको, और इसको ले जाएंगे हे लॉफ्ट पे। तो मोवर से काटो, फिर विंड रोड से उसकी लाइन बनाओ, और टेडर से पहले काटो मोवर से, फिर टेडर से उसको बनाओ हे, और फिर विंड रोड से उसको एक लाइन बना के एक उठा लो। ठीक है, यहाँ जाके हे डाल देंगे। 15,000 हे मिली है भाई, एक दो लाइन से। दो लाइन नहीं थी, डेढ़ लाइन ही थी वो, खैर। चलो भैया हो गया, इसका काम हो गया। इसने लेकिन ये लाइन छोड़ दी थोड़ी सी। चल 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 चल, जहाँ पर लाइन बची है इसका मतलब वहाँ पे इसने लगाई नहीं, लगाई तो है, पता नहीं क्या चक्कर है इसने। चलो हम लगा लेते हैं बी, वी ऑन कर देंगे, तीन दबा देंगे मोड, क्रूज मोड तीन। हाँ यहाँ इसने लगाई नहीं, चलो इसको करने देते हैं। यहाँ पे इसका खेत आधा हुआ है भाई, अभी इसका हो गया पूरा। कहाँ गया ये, कहाँ गया ये रहा। चलो इसको वापस ले आएंगे, इसमें मैं अभी लगा देता हूँ पूरी, फिर इसको मैं एक दो दिन आके कर लूँगा, ये बढ़ जाएगी हमारी। फिर इसको चैरी को एक दो तीन चार पाँच, पाँचों को काटना है भाई, पाँचों को काटना आसान काम नहीं है। तो बड़े बड़े हार्वेस्टर लेने पड़ेंगे, जो कि अब इसके लिए हार्वेस्टर वो छोटे वाले मिलेंगे हमें, जो मैंने आपको मोड़ दिखाए थे कल, ये वाले, ये वाले। तो ये गाजर का है, इसकी कैपेसिटी 60,000 है। तो ऐसे ही ये रेड कैबेज का, इसकी कैपेसिटी सेम, आलू जैसे आलू काटे थे कल हमने वैसे ही सेम है। ये प्याज का है, तो इनको काटने में भाई बहुत देर लगेगी, कई घंटे। तो कल ऐसा करेंगे, दो खेतों की कटाई कर देंगे, फिर दो की बाद में कर लेंगे। कल नहीं करूँगा भाई, मैं आज ही कर दूँगा शाम को, क्योंकि फिर कल FS20 आ जाएगी। अगर मेरे को मिल गई तो फिर भाई मुझे उसको भी दिखाना है आपको, यार पंगा हो जाएगा। तो बस इसको करके मैं कर रहा हूँ इस वीडियो को फिनिश। भाई वीडियो हो गया काफ़ी बड़ा, 1 घंटे 10-15 मिनट का हो गया, सॉरी भाई, बड़ा हो जाता है यार। आपको इतना कुछ बताना पड़ता है ना, इसमें बहुत कुछ है। ये देखो, ये देख रहे हो इतनी सारी घास, इधर भी देखो कितनी सारी घास है, इसको काट दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खेत कंप्लीट। इसको कर देंगे वी से ऑन, बी से डाउन, और एक्स से कर देंगे फोल्ड। एक काम करते हैं ना, इसके अंदर बीज तो है ही है, तो हमने लगाई है कैरेट। इसको उसको कर लेंगे कैरेट पे। हाँ ये आ गई कैरेट, इसको लगा दूंगा दूसरे कोने पे, तो वो भी कर रहा है और ये भी, तो वो खेत भी जल्दी हो जाएगा।
अभी इसको ले आके खड़ा करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये कैरेट लग रही है ना हमारी, ये ठीक है ना, एक कलर से देख लेंगे। तो अभी मैं इस घास को उठाऊंगा, घास काट के वहाँ डाल दूंगा उसके अंदर। इसको ले चलता हूँ उस कोने पे लगाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे को वीडियो ये पूरा खेत करना है तो मुझे टाइम लगेगा। तो कल भी मैंने इसके अंदर दो लगाए थे प्लो, दो प्लो लगाए थे मैंने इसके अंदर, फिर मैंने इसके बाद दो लगाए थे अपने लाइम के हेल्पर। मैंने दो गाड़ी खरीदी थी लाइम की, लाइम स्प्रेडर की। इसको कर लेंगे अनफोल्ड। ओके, ये आ गया, अनफोल्ड हो गया ये। इसको करेंगे वी, बी से ऑन। अच्छा, पहले नीचे होने देंगे, एफ वन करके देख लेना, बी से ऑन और वी से नीचे था, ठीक है। तीन दबा देंगे, क्रूज मोड ऑन हो जाएगा। तो अरे कोने पे करो भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारी कैरेट लग गई, तो यहाँ पे लगा दूँगा मैं हेल्पर और मैं उतर जाऊँगा यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ लग गई हमारी कैरेट, देखो अभी तो इतनी जगह बची है इसमें। अगर इसको चार पांच खेतों को काटोगे तो आपको सुबह से लेके शाम हो जाएगी। मैंने कल करा था तो भाई मुझे पता है बहुत देर लगती है इसमें। और यहाँ भी लगी हमारी कैरेट, ठीक है। तो चलो ये दोनों भाई मिलके कर देंगे काम, दोनों हेल्पर, इस खेत का काम हो जाएगा हमारा। और जब तक हम इस पे चलते हैं, इसको देखते हैं इसने कर दिया कि नहीं। लो भाई इसने काम पूरा कर दिया है छोरे ने, देख लेंगे एक बार, पूरी नज़र मार लेंगे। लो भाई इसने लगा दिए प्याज, तो इसमें अभी वीड फट, इसकी भी मुझे फर्टिलाइजिंग करनी पड़ेगी। मैं अभी मशीन लेके आता हूँ, इसकी फर्टिलाइजिंग करता हूँ। और इसके अंदर फर्टिलाइजिंग हो गई है, इसके अंदर एक बार अभी करनी पड़ेगी, एक बार तब करनी पड़ेगी जब थोड़ी फसल बढ़ जाएगी। और इसके अंदर सब कुछ हो चुका है, इसके अंदर सब कुछ परफेक्ट है, बस इसको बढ़ने का इंतज़ार है। तो फर्टिलाइजिंग के लिए मेरे पास ये मशीन है एक, मैंने कल खरीदी थी, तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसको मैं वहाँ पर लेके जाऊँगा और उसको वहाँ से लेके आऊँगा। चलो भाई फिर इस वीडियो में इतना ही है यार, काफ़ी अब बड़ा हो जाता है वीडियो, सब कुछ बताते बताते भाई बहुत कुछ समझाना पड़ता है, बहुत कुछ बताना पड़ता है। तो लोग बोल, भाई कई बंदे बोलते हैं कि दो तीन घंटे का वीडियो बनाओ, कोई बोलता है छोटा बनाओ, कोई बोलता है एक घंटे का बनाओ। तो भाई वीडियो का कोई लिमिट नहीं होती, जब आदमी काम करने लगता है तो कितना टाइम लग जाता है उसमें ये नहीं पता होता कि वो 15 मिनट में होगा या 15 घंटे में होगा। तो ऐसे ही ये मोड भी दिखाने होते हैं और आपको सब कुछ बताना भी होता है, तो काफ़ी टाइम लगता है यार। जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा ही भाई, उससे कम मैं कैसे करूँ। चलो ठीक है, चलो यार इस गेम प्ले के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट लाइक करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो भाई सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि भाई आपको मेरे वीडियो आने वाले मिलते रहें। और यार सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, 450 सब्सक्राइबर हैं भाई, इतने सारे वीडियो डाल चुका हूँ, इतने सारे वीडियो अच्छे अच्छे बना के डाले हैं भाई। सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ, कम से कम 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर तो हों। SSM न्यूज़ के अंदर मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर हैं और स्टार्स ब्रेकिंग के अंदर मेरे 5-5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं भाई। लोग चटपटी खबरों पर ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो पर लोग कम आते हैं। हिंदुस्तानी लोग दरअसल ऐसी गेम कम खेलते हैं, वो खेलते हैं पबजी, तो ऐसी गेम के अंदर सब्सक्राइबर बहुत मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर कम मिल रहे हैं। तो भाई इनको भी शेयर करो, हम भी ये अमेरिकन खेल सकते हैं, बाहर के लोग खेल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खेल सकते, इसमें है ही क्या। थोड़ा समझ नहीं होता, इंग्लिश ही तो है यार, कोई नहीं समझ आता वर्ड तो गूगल पर जाकर सर्च कर लो, डिक्शनरी होती है इंग्लिश की उसमें देख लो, नॉलेज बढ़ती है, ठीक है ना। अगर आपको बाहर जाके कुछ खेती करनी है, इंडिया में करनी है, अपने भारत हरियाणा यूपी कहीं भी खेती करनी है, तो आपको सहायता मिलेगी, नए नए टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, तो मज़ा आता है भाई ऐसी चीज़ें देखने में। जब से मैंने गेम शुरू करी है मेरा तो यही मन हो रहा है कि भाई मैं अभी कहीं बाहर के देश में चला जाऊँ और ऐसा मैं फार्म हाउस बना के बढ़िया सा आराम से मतलब काम करूँ। ये नहीं कि वर्कर रख दी और अब मज़े से, नहीं भाई ऐसा नहीं, खुद काम करो, मेहनत करो जब तक जान है यार। मैं 50 साल का हो गया, देखो अभी भी काम करूँ, डटा रहता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भाई यहाँ बैठा रहता हूँ अपने PC के ऊपर काम करता रहता हूँ। तो चलो यार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बातें बहुत हो गई, खाएं पिए स्वस्थ रहें और एकदम मस्त रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में GTA 5 में यार, आज आपको दिखाऊंगा मैं उसका पहला स्टोरी बोर्ड में पहला मिशन दिखाऊंगा उसका।
चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।